नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम समाचार। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और बात करेंगे देश और दुनिया में कोरोना का क्या हाल है। हमारे साथ अमेरिका से यज्ञदत्त शर्मा जी जुड़ेंगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और फील्ड में हैं सॉफ्टवेयर की। और हमारे साथ दूसरे मेहमान आयरलैंड से राजेश जी जुड़ेंगे, जो आईटी डिपार्टमेंट से हैं। आपको बता दें कि दुनिया में जिस तरह से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और देशों में क्या हाल है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ यज्ञदत्त शर्मा जी जुड़ चुके हैं। यज्ञदत्त शर्मा जी, आप अमेरिका से जुड़े हैं और झांसी के ही रहने वाले हैं। यज्ञदत्त जी, आपके देश में कोरोना के क्या हालात हैं और आपकी दिनचर्या कैसी रह रही है? नमस्कार पुष्पेंद्र जी। हाँ जी, हम झांसी के ही रहने वाले हैं और अभी यहाँ पे हालात ठीक होने लगे हैं। पहले तो काफी ज्यादा, पता है कि यूएस में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं वर्ल्ड में, लेकिन अब मार्केट्स ओपन हो चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लोग अपना दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं और ऑफिसेस भी ओपन होने लगे हैं तथा सभी लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी ओपन कर दिए हैं, जहाँ पे कि आउटडोर डाइनिंग की फैसिलिटीज ओनली प्रोवाइड की गई हैं कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में। आप ऑफिस जाते होंगे, आपके ऑफिस की दिनचर्या क्या है? पहले से कुछ बदलाव है कि वही ऑफिस की दिनचर्या शुरू हो गई है पहले जैसी? हमारे ऑफिस में तो अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उस पर ज्यादा इम्पेक्ट नहीं था इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो अभी ऑफिस, हमारा ऑफिस नहीं शुरू हुआ है, बट कुछ कुछ ऑफिस शुरू हो गए हैं और जो लोग इसेंशियल एम्प्लॉयज हैं उनको ऑफिस जाने के लिए अनुमति दे दी गई। आपके अमेरिका में ज्यादा लॉकडाउन नहीं लगाया गया, जैसे भारत की बात की जाए तो भारत में अधिकतर कम से कम लॉकडाउन लगाया गया, लगभग 2.5-3 महीने का लॉकडाउन रहा। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी उससे प्रभावित हुई है, जो रोजमर्रा के कमाने वाले हैं उनको भी काफी प्रभाव पड़ा है। आपके यहाँ लॉकडाउन कम लगाया गया, शायद बहुत ही कम लगाया गया, तो उससे क्या मानते थे आपकी वहाँ की सरकार के लॉकडाउन कम लगाना चाहिए, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, यहाँ पे लॉकडाउन कभी इन्फोर्स्ड लॉज नहीं थे, लॉकडाउन के सारी गाइडेंस प्रोवाइड की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाए और मतलब कभी भी ऐसा लॉकडाउन नहीं था कि आपको कोई, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई रोकेगा आपको, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा यहाँ पे। तो वही है, थोड़ा सा यूएस का कल्चर है आई थिंक इनके, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में है लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना होगा आपने न्यूयॉर्क में, तो उसका ध्यान रखा जाता है कि लोगों को फोर्स नहीं किया जाता है किसी भी काम के लिए। तो आई थिंक वही उसका रीजन था कि फोर्स्ड लॉकडाउन नहीं था यहाँ पे। हमारे साथ आयरलैंड से राजेश जी जुड़ चुके हैं, वो भी झांसी के रहने वाले हैं। राजेश जी, आपके आयरलैंड में क्या हालात हैं, कोरोना की कैसी स्थिति है? नमस्कार पुष्पेन जी। जी, मैं भी झांसी से ही हूँ। आयरलैंड में स्थिति अब काफी बेहतर है यहाँ पर, लेकिन लॉकडाउन सरकार ने लागू किया था करीब 1.5 मंथ के लिए, 1.5 महीने के लिए लॉकडाउन रहा यहाँ पर, लेकिन जो एसेंशियल जॉब्स थे वो कंटिन्यू रहे और जो शॉप्स थी जैसे खाने का सामान और मेडिकल दवाइयों का सामान, वो शॉप्स थ्रू आउट ओपन रही, उनको बंद नहीं किया गया। बट जो गैर जरूरी थे जैसे सिनेमा हॉल थे, रेस्टोरेंट थे, पब्लिक प्लेसेस थे, पार्क्स थे, बीचेस थे, वो सारे बंद कर दिए थे सरकार ने, और जो लॉकडाउन था वो काफ़ी स्ट्रिक्टली लागू किया था यहाँ पर। तो अभी स्थिति काफ़ी काबू में है और लास्ट वीक से लॉकडाउन को सरकार ने रिलीज कम भी किया है काफ़ी, तो अभी मॉल्स वगैरह ओपन हो गए हैं, रेस्टोरेंट भी ओपन है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रैवल पर, तो स्थिति काफ़ी बेहतर है अभी।